आइए किसान भाइयों, आपके लिए लेकर आए हैं धान काटने की बहुत ही बढ़िया मशीन, जिसकी जानकारी एस वाई एग्रो इंटरप्राइजेज के मालिक जसवंत जी दे रहे हैं। नमस्कार सर, ये मशीन क्या काम करती है, किस लिए लेके आई हो? ये मशीन हमारे यहाँ मजदूरों की बड़ी दिक्कत थी। हाँ जी। और उसके ये धान काटने के लिए मशीन है जी, और उसकी समस्या को हल करने के लिए हम ये मशीन लाए हैं बाहर से। ये मशीन फसल को जड़ से काटती है और उसको सफाई से पीछे अनाज निकालती है। सर, ये कहाँ से लेके आए हो और ये कहाँ की बनी हुई है? ये मशीन साउथ कोरिया की बनी हुई है और ताइवान से भी आती हैं, जापान से भी आती हैं। इसमें कई मॉडल हैं। तो ये बाहर से इंपोर्ट करते हैं सारी मशीन। सर, ये काम आपने कब शुरू किया था और इसको कितना टाइम हो गया आपको करते हुए? इसको करते हुए मेरे को करीब 7-8 साल हो गए। हाँ जी। और इंडिया में सबसे पहले ये काम मैंने ही शुरू किया था जी। और मैं ये काफी मशीनें बेच चुका हूँ। हाँ जी। इस मशीन में ये एक ही मॉडल है या और भी कई प्रकार के मॉडल है? नहीं, इसमें मॉडल बहुत आते हैं। हाँ जी। अभी इंडिया में ज्यादातर 2-3 मॉडल ही ले आ रहे हैं ताकि उसका हम स्पेयर पार्ट भी दे सके। मॉडल तो इनमें बहुत आते हैं जी। इस मशीन की क्या खासियत है और इस मशीन का क्या फायदा है? ये मशीन वैसे तो हमारे यहाँ बड़े हार्वेस्टर भी चल रहे हैं। हाँ जी। लेकिन इस मशीन का ये फायदा है, उसके हार्वेस्टिंग करने के बाद हाँ जी, उसमें किसान भाई आग लगा देते हैं, उससे प्रदूषण बढ़ता है और उससे पशुओं के लिए चारा भी नहीं मिल पाता। हाँ जी, हाँ जी। अब इससे अगर पशुओं के लिए चारा चाहिए तो ये साबुत पराली पीछे निकाल देती है, अगर किसी को नहीं चाहिए तो इसमें दोनों फंक्शन हैं, जो इसका साबुत पराली निकाल लो या इसका टुकड़ा कर लो, छोटा छोटा, एक एक दो दो इंच का छोटा छोटा टुकड़ा कर देगा, जिससे खेत तैयार करने में किसान को कोई दिक्कत नहीं आएगी। सर, ये मशीन कौन कौन सी फसलें काटती है और एक घंटे में कितने एकड़ खेत काट देती है? ये मशीन वैसे तो पैडी हार्वेस्टर है, ओनली जीरी के लिए है। हाँ जी। बाकी इससे लोग गेहूं भी काटते हैं जी। और रही बात टाइमिंग की, इसमें जो 5 फीट का कटर आता है हाँ जी, वो मशीन 1.25 घंटे में 1 एकड़ काटती है, और जिसका 7 फीट का कटर है हाँ वो 45 मिनट और 40-45 मिनट में 1 एकड़ फसल काट देती है। और इसका डीजल खर्च भी है वो बहुत ही कम है, जो 1 घंटे में 5 से 6 लीटर, और जो 7 फीट वाली है वो 7 से 8 लीटर 1 घंटे में डीजल की खपत आती है इसकी। इस मशीन में अगर जो कोई कमी आ जाए तो इसका स्पेयर पार्ट कहाँ पे मिलेगा और कहाँ पे ये ठीक होगी? इस मशीन का ये है जी, हम जिसको भी देते हैं उसके पास पहले ही उसको सिखाएंगे। हाँ जी। और एक अपना ड्राइवर भी देंगे जो इसको मालिक को आगे सिखा के आएगा। हाँ जी। और स्पेयर पार्ट हमारा सब हमारे पास होता है, कुछ भी स्पेयर पार्ट चाहिए हम तुरंत उसको अवेलेबल करा देते हैं, उसको वहीं जाके उसके घर पे जाके उसको रिपेयर कर देते हैं, उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगने देते। हाँ जी, हाँ जी। के कोई भी आज खराब होगी, कल गए, परसों गए, ऐसा नहीं होता, तुरंत जाके उसको रिपेयर करा देते हैं। सर, ये मशीन आज से पहले कितनी सेल कर चुके हो और कहाँ कहाँ पे की है? ये मशीनें मैं आपको बताता हूँ, अभी मैंने ये 10-11 मशीनें सेल पिछले सीजन में भी की थी। हाँ जी। जैसे अपने नगड़ा गांव हो गया, करनाल हाँ डिस्ट्रिक्ट में है। हाँ जी। कैलाना है। हाँ जी। और 7 रोड हिसार में जी। 2 मशीन उनको भी दी है पिछले सीजन में। हाँ जी। इसराणा हो गया, खेवड़ा हो गया, कठवाड़ हो गया, पैटवाड़ हो गया हिसार में। हाँ जी। गुहाने में भी दी है। हाँ जी। और एक बड़ताना गांव पड़ता है हरिओम जी, उसको भी दी है। जी जी। एक जगाधरी में कबोटा ट्रैक्टर की एजेंसी है, उनको दी है। हाँ जी। और अभी अभी जो सीजन चल रहा था पिछले महीने, एक मशीन मैंने पश्चिम बंगाल में भी दी है, उसको भी ट्रायल करके आए हैं, और वो फौजी है बंदा। सर, जैसे आपसे कोई मशीन लेके गया है तो आप उसको जानकारी कैसे दोगे? जैसे हमारे से कोई मशीन ले गया हाँ जी, तो उसको हम क्या करते हैं, पहले ही एक ड्राइवर देते हैं अपना जी, जो ड्राइवर भी होता है और मैकेनिक भी होता है हाँ जी, ताकि वो उसको किसान को अच्छे तरीके से चलाना सिखा सके जी। और उसके अंदर जो छोटी मोटी कमी आ गई खेत में, कोई कई बार कुछ ऐसा सामान पड़ा हो जो मशीन में टकरा गया, तो वो छोटे मोटे काम अपने आप कर सकता है और उसको समझा सकता है कि हमें खेत में मशीन को चलाना कैसे है जी। क्योंकि जब तक किसान उसको चलाना नहीं जानेगा, उसकी जानकारी नहीं होगी, तो वो परेशान होगा और दूसरों से
वो मांगता रहेगा कैसे करूं क्या करूं, परेशान होगा। हाँ जी। इसलिए हम एक हफ्ते के लिए फ्री में उसको ड्राइवर देते हैं। ठीक। और किसान को उसका सिर्फ खाना खर्चा देना होता है। हाँ जी। बाकी उससे कोई खर्चा नहीं लेते। जी जी। सर अगर जो किसी को पशुओं के लिए चारा चाहिए तो वो मिल सकता है? हाँ, इसमें दोनों फंक्शन है। हाँ जी। अगर किसी को पशुओं के लिए चारा चाहिए, हाँ जी, तो इसमें एक लीवर होता है लगा हुआ जी, उसको अप डाउन करने से आप चाहे तो साबुत पराली पीछे निकाल लो। हाँ जी। अगर आपको जरूरत नहीं है तो आप उसमें छोटा छोटा दो दो तीन तीन इंच का टुकड़ा भी कर देगी ये मशीन। इसमें दोनों फंक्शन होते हैं। इसका SMS आरा टाइप में होता है। हाँ जी। जो कटिंग करता है। ठीक। और उससे हम खेत जुताई करने में हमें कोई दिक्कत नहीं आती। किसी भी किसान को वो हैरो चलाए कल्टीवेटर चलाए कैसे भी खेत वो आसानी से तैयार कर सकता है। सर ये सीजन की आप क्या गारंटी देते हो? इसमें एक पहले सीजन में जैसे हमने एक ड्राइवर साथ दे दिया। हाँ जी। और दूसरा उसके साथ साथ कुछ भी मशीन में कमी आएगी, जब भी कस्टमर हमारे को फोन करता है, हमें जितना टाइम जाने में लगेगा वो लगेगा। हाँ जी। तो वो गारंटी हमारी है, अगर कोई पार्ट डलेगा तो उसके पैसे लेंगे, कोई सर्विस या कोई वैसा कोई पैसा नहीं लगेगा। सर क्या ये मशीनें सभी नई आती है? नहीं, सारी मशीनें नई नहीं आती। हाँ जी। एक डेडोंग कंपनी की है जो नई आती है जी। और उसमें भी जैसे पीछे से ग्रैंड टैंक नहीं आता। हाँ जी। वो हम अपना लगाते हैं जी। बाकी जो मशीनें हैं वो सारी पुरानी है, कबोटा कंपनी की है, इसकी कंपनी की है या ARN है। हाँ, ये काफ़ी कंपनी की हैं, कोई 105 है, 62 है, 75 है, 72 है और 112 है। ये मतलब किसान के ऊपर निर्भर करता है कि वो छोटी लेगा या बड़ी लेगा। हाँ जी, जी। तो इसमें मॉडल भी बहुत हैं और ज़्यादातर हम वही मॉडल बेचते हैं जिसका हम स्पेयर पार्ट रख सकें जी। और ज़्यादा मॉडल इसलिए नहीं रखते ताकि हमें स्पेयर पार्ट में दिक्कत ना आए, अलग अलग रखने में दिक्कत आ जाती है जी। तो हम ज़्यादातर कबोटा कंपनी की सेल करते हैं। सर ये मशीन को आप कहाँ कहाँ पे सेल कर सकते हो? देखिए ये मेरे पास ऑल इंडिया सेल कर सकता हूँ क्योंकि मैंने कर भी रहा है, जैसे अभी पीछे बंगाल में दी थी। हाँ जी। और इधर झारखंड में भी मेरी बात चल रही है। हाँ एक दो बंदों के साथ, तो किसी भी स्टेट में दे सकता हूँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। और मैं वहाँ पे जाके खुद सर्विस दे के आता हूँ। हाँ जी। और मेरे पास मैकेनिक हैं 4-5, तो उनको भी मैं साथ लेके कभी भी कम ये दिक्कत नहीं आने देते कि हमारी तरफ से कोई मशीन रुकी हुई है। सर इस मशीन को आम किसान ही चला लेगा या स्पेशल ड्राइवर ही रखना पड़ेगा? नहीं देखिए, इसको ऐसा होता है, इसीलिए हम एक हफ्ते के लिए एक ड्राइवर देते हैं। हाँ जी। ताकि किसान को अच्छी तरीके से जानकारी दे जी, सके जी। और कोई भी किसान जो साइकिल मोटरसाइकिल भी चला लेगा इसको, वो भी चला लेगा सिखाने के बाद। हाँ जी। तो इसमें सीखने में कोई ज्यादा वो नहीं होता, ये बड़े आसान है और सारी ड्राइवरी के ऊपर ही निर्भर करती है सारी मशीन। हाँ जी, हाँ जी। कोई भी मशीन हो। जसवंत जी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार। नमस्कार।